ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने के प्रति नए कीर्तिमान बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम किया है। पहले उन्होंने सांसद में राफेल के मुद्दे पर झूठ बोला और अब उन्हें सबूत देने के लिए कहा गया तो वे मुकर गए। भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने के प्रति नए कीर्तिमान बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे केवल झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम करते हैं। पहले उन्होंने संसद में राफेल के मुद्दे पर झूठ बोला और जब उन्हें सबूत देने के लिए कहा गया तो वे मुकर गए। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में झूठ बोले और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनकी बात का खंडन किया, फिर उसमें भी फंस गए। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर पारिकर के घर चले गए, वहां फिर झूठ बोला और वहां भी उनका चेहरा बेनकाब हुआ। अब दो दिन पहले प्रधानमंत्री पर फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए झूठे आरोप लगाए और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने वहां जाकर माफी मांगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी, आप वोट लेने के लिए कितना झूठ बोलोगे और किस हद तक गिर जाओगे। देश के लोगों ने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष पर विश्वास करना बंद कर दिया है और ऐसा ना हो कि लोग आपको भूल ही जाएं। उन्होंने कहा कि राजनीति को मुद्दों के लिए रखे झूठों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति को मुद्दों के लिए रखे झूठ के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश का काम किया है और आगे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा करोड़ों रुपए के घोटाले ही किए हैं और आपको शायद आदत ही नहीं है कि ईमानदारी के साथ कोई काम करें। भाजपा ने हमेशा ईमानदारी के साथ सरकार चलाई और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और आगे भी देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को 12% से कम करके 3% पर ले आए हैं। कांग्रेस शासन के समय में दालें 162 रुपए किलो होती थी लेकिन अब केवल 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रही हैं। वहीं चीनी 56 से 60 रुपए किलो होती थी जो कि अब 35 से 40 रुपए मिल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से मुक्ति मोदी सरकार ने दिलाई है और आने वाली केंद्र सरकार फिर मोदी की ही होगी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और झूठ के नए कीर्तिमान ये राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि झूठ झूठ और केवल झूठ बोलने के देश को गुमराह करने का काम किया है। राफेल के मुद्दे पर पार्लियामेंट में झूठ बोले, जब सबूत देने के लिए कहा तो मुकर गए। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में झूठ बोले, फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनकी बात का खंडन किया, फिर फंस गए। मनोहर पर्रिकर जी, उनके घर वो चले गए, वहाँ जाकर झूठ बोले बाहर आकर, फिर राहुल गांधी जी का चेहरा बेनकाब हुआ। अब दो दिन पहले प्रधानमंत्री पर फिर झूठे आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो आज सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी। राहुल जी, कितना झूठ बोलोगे, वोट के लिए कितना नीचे गिर जाओगे, क्या गिरने का भी इतना नीचे गिर जाओगे, झूठ बोलने पर इतना आगे चले जाओगे कि देश के लोग आप पर विश्वास करना पहले बंद कर दिया, आगे भी कर देंगे। कम से कम वोट के लिए इतना नीचे मत गिरिए कि जनता आपको सदा के लिए भूल जाए। मेरा निवेदन रहेगा, राजनीति को मुद्दों के लिए रखें, झूठ के लिए नहीं। मोदी जी ने देश का काम किया है, आगे भी करेंगे। आपने, आपकी पार्टी ने लाखों करोड़ के घोटाले किए और आपको शायद आदत ही नहीं कि ईमानदारी के साथ कोई काम कर सकता है। भाजपा ने ईमानदारी के साथ सरकार चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, आगे भी देंगे। आप देखिए, अब की बार फिर मोदी सरकार था और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार है। हो जाएगी, आपके कागज भी पूरे स्क्रूटनी होके निकल जाएंगे तो आपके खाते में भी 2-2 हजार की किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? कोई तो नहीं संकट संकोच मनाज करेंगे आगे। भाई और बहनों, अब तो मोदी जी ने कर दिया कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का कर्जा किसान क्रेडिट कार्ड पर लोगे तो आपको 5 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने आपके लिए कर दिया है, मुफ्त में कर दिया। पहले 1 लाख रुपया लाए हैं बैंका से, तब 5 साल ब्याज घट तो घट 60 से 70 हजार रुपया पै
उन दो पंजा साल रुपया भी नहीं देना पड़ा, सिर्फ सही लगता है सही वापस करना।